फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग का मदद करूंगा, हेल्प करूंगा जीडीपीआई में, तो फाइनली आज जीडीपीआई का टॉपिक्स लेकर आ गया। थोड़ा समय लग गया, बात होता है ना कि जैसे आप लोग की मैं मदद कर रहा हूँ, ऐसे मैं पिछले साल भी किया, उससे भी पहले किया, और उसमें से कुछ लोग मेरे कॉन्टेक्ट में रह जाते हैं, लेकिन जब उनसे दोबारा मदद मांगने जाओ तो जरूरी नहीं है कि वो भी आपकी मदद वैसे ही करें जैसे आपने, जैसे मैंने उनका किया था। अब मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ कि प्लीज थोड़ा हेल्प कर दो, कुछ टॉपिक्स वगैरह जो आपके टाइम में आए थे, जीरो रिस्पॉन्स है। कुछ तो बहुत एक्साइटेड है, कुछ तो एकदम जीरो रिस्पॉन्स पे है कि वाट एवर, फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई देखो ना, क्या होता है ना कि लोगों को मदद करनी चाहिए, और मैं जब ऑनेस्ट मेहनत कर रहा हूँ, जैसे आप लोग हो, अब आप लोग इसको मतलब हल्के में मत लो, क्योंकि काइंड ऑफ आज के समय में किसी के लिए क्यों कोई करेगा। मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम डूइंग फॉर यू। तो प्लीज गाइज, आप इथिक्स मोरलिटी का ध्यान दें, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जीवन का सही अर्थ यही है, टू हेल्प अदर। सो आज इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बीएचयू पीजी 2024 में जिन बच्चों के पास जीडीपीआई है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन है, पर्सनल इंटरव्यू, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने जो मदद करी है वो चाहते हैं कि मैं उनको पार्टी दूं, तो मैं उनको पार्टी दूंगा भी, लेकिन उस पार्टी में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मैं बाद में बताऊंगा कि क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेंडिंग जीडीपीआई टॉपिक्स बाय नीर सर, ये टॉपिक वो है जो कि अभी ट्रेंडिंग में है 2024 में, यहां से 80% क्वेश्चन पूछ फंस सकते हैं। इसको प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा। ये तमाम टॉपिक्स को आप जो भी रिसर्च वीडियोज बनाते हैं, अंकित अवस्थी सर हो गए, और कौन कौन है सर, तो कोई है क्या ऐसा जो रिसर्च वीडियोस बनाता है, मुझे एक ही लोग का नाम याद आ रहा है, वो जो घास फूस वाला सेशन लाते हैं, गौरव नाम है, वो पढ़ाते हैं क्या ऐसा, नहीं वो नहीं पढ़ाते हैं। प्लीज आप लोग ना एक काम करना, इस वीडियो में ना कमेंट कर देना कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स का, या मैं वो ग्रुप कुछ समय के लिए ऑन कर दूंगा, जो आप लोग का जीडीपीआई वाला ग्रुप है ना, उसमें खा डिस्कस कर लेना एक दो अपने। एक काम करो, मेरे को ना एक बच्चा इन टॉपिक्स का, या जिसको जो टॉपिक्स का अच्छा वीडियो मिले वो मुझे भेज देना, मैं डायरेक्टली ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे सबकी मदद हो जाए। क्योंकि पता है ये जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे जीडीपीआई देने जा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन है, ये एक दूसरे को हेल्प करना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि एक्चुअली वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। स्टार्टिंग बता देता हूँ, टॉपिक पे भी बताऊ। देखो जैसे आप अंदर गए, ऐसे गोल में बैठ जाओगे, तो आपको ना चेस्ट नंबर मिलेगा, वो बैक में लगेगा या चेस्ट में लगेगा, ये नंबर कोडिंग हो जाती है, उस कोड की बेसिस पर आपकी मार्किंग होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आप कैसे बोल चाल रहे हो, इस पे हो गया, कैसे अपने फैक्ट को रख रहे हो, कैसे आप पिक कर रहे हो क्वेश्चंस को ग्रुप्स की के कम्युनिकेशन से, डिबेट से, और आपका लीडरशिप कैसा है। बहुत ही शालीनता से बोलना, कोई हड़बड़ी नहीं है, जो भी शब्द बोलना बहुत ही स्पष्ट बोलना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिलेक्शंस के। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं, एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जो इस बार पूछा जा सकता है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। इसके बारे में पूरा पढ़ लेना, ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो असर है, जो इसका इफेक्ट है, वो इस बार चुनावी में काफी मुद्दा बना रहा है। अब देखो होता क्या है ना, वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा ये होगा, भाई हमारा समय जाया होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज खूब पैसा इसमें जो है वो देखते हो उड़ाते हैं, और हमारा कोई एग्जाम अगर होता है तो हमारे एग्जाम्स में लीक हो सकता है, हमारा एग्जाम का पेपर कभी कोई टल जाता है, हमारा आंसर की नहीं आता है। लेकिन जो इलेक्शंस होते हैं ये तो अपना प्रॉपर टाइम में फॉलो होते हैं, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शंस के एलिमेंट्स हैं। ये पूरा एक वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर्स इन इलेक्शन, यानी ये बहुत ट्रेंडिंग है कि ईवीएम सही है या बैलेट पेपर सही है, दोनों में। अब इसका जैसे कि बैलेट पेपर है, बहुत सारा पेजेस खराब होते हैं, मतलब इसमें डिफोरेस्टेशन भी आ जाएगा, पेड़ पौधे भी कटते हैं, लेकिन ईवीएम एक कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को दिखाता है, तो इसके जो एलिमेंट्स है वो आप प्रिपेयर करोगे। सोशल मीडिया कर्स और ब्लेसिंग, अब साफ है या वरदान है, सोशल मीडिया यूथ के लिए कितना फायदेमंद है, टीन एज के लिए कितना फायदेमंद है, और इसका आज हम लोग फायदे में क्या यूज कर सकते हैं एज अ बिजनेस पर्पज, यूट्यूब चैनल्स, अलॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑन सोशल, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। एनईपी वर्सेज ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, यानी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आज तक तीन साल होने वाले लगभग इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है फुल्ली, इसमें जो सिलेबस चेंजेस होने हैं, जो इसकी स्टेजेस हैं, थ्री स्टेजेस जो थे, वो कितने परसेंट तक इंप्लीमेंट हो पाया है,
बच्चों को कितना फायदा हो रहा है, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा प्रोडक्टिव रहा है, इसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट रहे हैं, ये तमाम चीजें। पोलराइजेशन ऑफ कास्ट इन इलेक्शन, जातिवाद जो चुनाव में है, जो जातिवाद चुनाव में है वो किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इसका प्रॉफिट्स लेके अपना वोट बैंक क्रिएट करती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि इस पे आप लोग एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक क्रिकेट प्रिपेयर करना, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना उसके जो फैक्ट है पेजेस पे उस फैक्ट को वर्डिंग करना, जो कि आप वहां पे यूज कर सकोगे अपने जीडी में, ठीक है। यहाँ पे फ्रीबीज आर पब्लिक बाय गवर्नमेंट, यानी जो भी फ्री में राशन दिया जाता है, हाँ, जो फ्री में हम लोग को लालच दिखाया जाता है 5 किलो राशन देंगे और आप अगर ऐसा हमें गवर्नमेंट में आने देते हो तो हम आपको और भी चीजें, जैसे केजरीवाल है बहुत सारी चीजें फ्री में, तो ये फ्री मोदी गवर्नमेंट की फ्रीबीज और केजरीवाल की जो फ्रीबीज है दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ फ्रीबीज होने चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि शिक्षा में फ्री हो जाना चाहिए, मैं कहता हूं कि शिक्षा मुफ्त में हो जाए, तो ये फ्रीबीज तो अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं पे फ्रीबीज जो है वो कहीं ना कहीं गलत भी है। तो ये चीजें आप प्रिपेयर कर लेना कि फ्रीबीज गवर्नमेंट के थ्रू जो पब्लिकली की जाती है वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ठीक है। एमएसपी बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, एमएसपी कहीं ना कहीं इस पर कितने सारे प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट जो थे वो क्या एक प्रोपोगेंडा था, क्या वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस थे, या फिर वो रियल थे। टैक्सेशन एग्री, इसमें ये टॉपिक अलग है, ध्यान देना, एमएसपी अलग है, इसको थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से आप देखो कि क्या एग्रीकल्चर पे टैक्सेस हो सकते हैं, तो ये एग्री बिजनेस वालों के लिए है, ध्यान देना है। सभी टॉपिक्स, ये टॉपिक्स जो है ना वो कहीं ना कहीं जनरल है, हर किसी के जीडीपीआई में आ सकता है, ये यहाँ पे ध्यान देना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमबीए एग्री बिजनेस वालों के लिए, ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया, जो भी हमारे देश के फॉरेन पॉलिसीज हैं उसमें कुछ फॉरेन पॉलिसीज आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं गोदी मीडिया वर्सेस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, जैसे कि ध्रुव राठी का वीडियो काफी ज्यादा यूथ पसंद कर रहे हैं, इस तरीके कुछ और भी लोग हैं जो प्रोडक्टिव वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कुछ उसी में बहुत ही छपरी टाइप के हैं जो कुछ भी फालतू अनाप शनाप, जैसे होता है ना कि अब मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू हूं तो मुझे ये चीजें कहने पे जोर दिया जाए कि नहीं मैं हिंदू हूं तो मैं ये बोलूंगा, या तो कहीं ना कहीं यूथ को जो एक मिसलीड मिसगाइड किया जा रहा है कुछ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, और कुछ यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोडक्टिव थॉट्स जनरेट करने का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो ये चीजें भी देखना है। लेकिन यहाँ पे है जो टॉपिक है वो है गोदी मीडिया, यानी जो एक मीडिया कम्युनिटी है जो कि बस मोदी को सपोर्ट कर रही है, और दूसरा जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के अगेंस्ट हैं, वो फैक्ट की बात करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपेयर कर लेना। पॉलिटिकल सपोर्ट्स टू, ठीक है, पॉलिटिकल सपोर्ट्स टू यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। नेशनल एजेंसी जैसे ईडी है, सीबीआई है, तो कहीं ना कहीं बार बार जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट बॉडीज से इंफ्लुएंस है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है हमारे यहाँ वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट डाल रही है, वो अटैक कर रही है कि भाई आप हमारे अकॉर्डिंग काम करो, जबकि ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं, हाँ, कहीं ना कहीं इनकी जो फंडिंग है ये गवर्नमेंट के थ्रू है, हाँ, ये संवैधानिक तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन इनके डिसीजंस मेकिंग जो है, इनकी जो वर्किंग है, ये सभी ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट टू गवर्नमेंट है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, जो ईडी है, जो भी सीबीआई के हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं एज नेशनल एजेंसीज में आते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये भी एक हो गया, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार का टेम्परेचर आज की डेट में भी लगभग मेरे मोबाइल पे 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है, बाहर जाना मुश्किल है। देखो अभी भी मुझे देख रहा हूं कहीं ना कहीं, देखो मुझे अभी भी कूल होने के बाद भी ये हालत है, तो भाई मैं आपको चाहूंगा कि प्लीज ग्लोबल वार्मिंग आज इस वीडियो में आप लोग प्लीज प्रॉमिस करो कि जैसे ही पहली बारिश होती है आप एक दो प्लांटेशन जरूर करना। देखो यार करो, सोशल मीडिया पे दिखाओ मत, जैसे आप मेरे को पर्सनली, जैसे आप मेरे को सोशल मीडिया पे देख रहे हो ना, पर्सनली भी अगर मुझे आप जानोगे तो मैं बहुत ऑनेस्ट लाइफ जीता हूँ, बड़े ग्राउंडेड लाइफ जीता हूँ। आप मुझे मिलोगे तो कहोगे नहीं सर वैसे ही है जैसे कैमरे पे है। मैं यही चाहता हूँ कि ईमानदारी से जियो, दिखावे की लाइफ मत जियो। प्लीज ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक में पे हमें बोलना चाहूंगा कि आप लोग प्लांटेशन जरूर करना, नॉट ओनली प्लांटेशन, ग्लोबल वार्मिंग में एक बात और है जो कि कहीं ना कहीं हिडन टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग बस प्लांटेशन डिफोरेस्टेशन की वजह से नहीं हो रहा, होता क्या है कि मीट जो है वो मीट जो कंजप्शन है वो भी एक बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि मीट बनाने के लिए बहुत सारी ग्रीनरी को डेवलप करना पड़ता है, और जब ग्रीनरी डेवलप करते हो तो CH4 निकलता है,
ठीक है, ये टॉपिक हिडन है, आप चाहोगे तो ये डिबेट में डाल देना। सी एच फोर निकलता है और सी एच फोर जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्टिव गैस माना जाता है। आप मानते हो सीओ टू है, सी एच फोर है, ये सब है ना। तो कहीं ना कहीं हमें वेज और नॉन वेज इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए था कि हमारा टेस्ट मिलेगा कि नहीं, हमें इस बेसिस पे बनना चाहिए कि आप किस कॉन्टिनेंट में आ रहे हो, किस एरिया प्लैनेट में आ रहे हो, किस एरिया अर्थ में आ रहे हो, वहां उसकी नीड है, डिमांड है, नहीं है तो मत खाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो मैं इसको, चूंकि आज बकरीद का भी दिन है तो मैं तो थोड़ा सा मतलब भावनाओं से भी जुड़ा हुआ हूं इन सब चीजों से, तो मैं तो इसका अपोज ऐसे भी करता हूं, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग को समझो सही मायने में। ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण वेज नॉन वेज टॉपिक भी है, उस पर आपको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल वार्स जैसे रशिया यूक्रेन का है, अभी इराक ईरान, ये तमाम चीज जो रिसेंट के वार्स हुए हैं, क्या ये हमें वर्ल्ड वार थ्री की तरफ ले जा रहे हैं? तो ये टॉपिक भी शुड बी डिस्कस्ड। ओके, लास्ट सॉरी एक स्लाइड और है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूंगा, कुछ लोग स्किप ना करें इसलिए, मोदी गवर्नमेंट के टॉप फाइव सक्सेस एंड फेल्योर प्रोग्राम जो है वो आप कहीं ना कहीं प्लीज गाइज क्या करोगे, आप ये प्रिपेयर कर लेना। जैसे कि इनका हो सकता है मेडिकल में एक आया हुआ था उज्ज्वला योजना, जैसे एक हो गया आयुष्मान भारत, ये तमाम जो इनके प्रोग्राम्स हैं कितने सक्सेस रहे हैं, फैक्ट की बात करना है वहां पे, ये नहीं कुछ भी जाके पकड़ फैक्ट की बात करना। मैं बोला ना कि कम ही फैक्ट इकट्ठा करो, इसके एलिमेंट्स याद कर लो आप लोग। ठीक है, ये वो ऑनलाइन पेमेंट मेथड है जिसके थ्रू अगर आप कुछ भी पेमेंट करते हो, आप उसका स्क्रीनशॉट भी करना, इसी को व्हाट्सएप नंबर पे करना पेमेंट करने के बाद, जो कि मैं इनको पार्टीज दूंगा जो मुझे हेल्प किए इन टॉपिक्स में। ठीक, प्लीज ये करना, मैं कम्युनिटी में शेयर भी कर दूंगा आप लोगों ने क्या हेल्प किया है। ठीक है, ये टॉपिक्स है 18 नंबर पे, ध्यान देना कि यहां से यहां तक का जो टॉपिक है ना, ये जनरली हमारे एमबीए कॉमर्स वाले में आएगा, जो एमबीए कॉमर्स विंग्स में चलता है वहां वाले में, स्टॉक मार्केटिंग, जीएसटी, टैक्सेस, बेटिंग्स ऐप। ठीक है, प्लीज इसको आप जरूर प्रिपेयर करिएगा, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉमर्स से रिलेटेड है। क्रिकेट वर्सेज अदर स्पोर्ट्स, आज हमारे यहाँ क्रिकेट को ही बस प्रमोट किया जाता है, जबकि हमारा नेशनल गेम जो है उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हम लोग क्रिकेट को कमर्शलाइज कर दिए, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, कहीं ना कहीं हम लोग यहां तक जा चुके हैं कि क्रिकेट नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि छक्का लगा तो जो सट्टा लगाया था वो हमारा कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ कि नहीं। तो प्लीज ये टॉपिक भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा से। ओके, गवर्नमेंट जॉब्स में जो प्रिपेयर करने की जरूरत है वो है परमानेंट जॉब्स एंड शॉर्ट टाइम जॉब्स। जैसे कि अब अग्निवीर है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब हो के भी क्या है, शॉर्ट टाइम जॉब्स है, तो शुड बी प्रिपेयर, ये टॉपिक आ सकता है। फुल्ली परमानेंट जॉब के क्या एलिमेंट्स है एंड शॉर्ट टाइम जॉब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके क्या मेरिट्स की क्या डिमेरिट्स है, ये तमाम चीजें डिस्कस होना चाहिए। ठीक है, एनजीओ का स्ट्रक्चर, ये कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं एमएसडब्ल्यू वाले, ठीक है, प्लीज वो प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले तो आपसे पता है पूछा जाएगा एनजीओ का फुल फॉर्म, बड़ा लॉजिक बड़ा छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्लीज आप लोग प्रिपेयर कर लेना। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ एनजीओ, कैसे वर्क करता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तमाम चीजें, उसके टैक्सेस वगैरह के बारे में भी आप लोग देख लेना। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यहाँ पे स्टार्टअप है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको जरूर कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर लेना, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, स्टार्टअप करने के क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, एज अ टीनेज, एज अ बैचलर, एज अ जब हम लोग अपने स्टडी लाइफ में होते हैं, एजुकेशनल लाइफ में होते हैं, तो किस तरीके से हम लोग अपने आप को अपना करियर बना सकते हैं ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स करके जहां पैसे बहुत कम लगते हैं। ठीक है, आजकल बहुत लोग फेमस भी हुए हैं। और ये लास्ट स्लाइड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जिसमें मैं ऑनलाइन पेमेंट मेथड दिया हुआ था, इसका कोई ये मत सोचना मैं क्योंकि बहुत ही ओपनली बात कर रहा हूं कि इसमें हम लोग पार्टीज, इवन आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी भी पार्टी बनती है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार में आ रहे हैं, हम सब बीएचयू में आ रहे हैं। मैं चाहूंगा अगर आप हमारे ही विश्वविद्यालय में आ रहे हो, ये आपका भी हो जाएगा जितना हम सभी का है, तो हम लोग क्यों ना इसको सेलिब्रेट करें। तो आप सेलेक्ट होके आओगे तो जरूर सेलिब्रेट किया जाएगा, और उस दिन शायद एक एक मिठाई मेरी तरफ से भी होगी, और आपके सिलेक्शन के बाद जो आप मिठाई मुझे खिलाओगे उसके लिए तो मैं ऑलरेडी तैयार हूं, जितना खिलाओगे तो उतना खा लूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ये टॉपिक्स जल्दी से जाएं प्रिपेयर करें, मुस्कुराते रहें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, अभी ये टॉपिक इधर मैं हो जाता हूं, ये टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्लाइड का इधर हो जाता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग,
ठीक है, और इसके बाद इस टॉपिक का भी ले लो, ठीक है, ये हो गया, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो, फाइनली डन। तो अब प्लीज लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करो जरूर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत करके मैं वीडियो बनाया हूं और आपका सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। कोई प्रॉब्लम होता है ना आप डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मेरा इंस्टा आईडी है नीर दर्शन, वहां जाके आप जो भी प्रॉब्लम्स है आप शेयर कर सकते हो। चूंकि कल मेरा एग्जाम रहेगा तो कल मैं आपको बस वीडियो दे के अभी के लिए हाँ बोल रहा हूँ कि मैं परसों मिल पाऊंगा, ठीक है, तो मुस्कुराते रहे। बाकी फिर भी आप जो कॉमेंट करो, मैं सोशल मीडिया अगर ओपन करूंगा तो पक्का रिप्लाई करूंगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट रहेगा तो मैं कॉल भी नंबर दे दूंगा, बात कर लेना। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव। जो भी पेमेंट करेगा ना वो प्लीज यहीं पे इसी नंबर पे ना व्हाट्सएप भी कर देना अपने नाम के साथ, मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगा। मुस्कुराते रहिए।